नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 14 पार्ट 2 से। आपको ये लाइव तस्वीरें हम जिस गाड़ी की दिखा रहे हैं, ये गाड़ी कल देर रात जो है एक गंदे नाले में जाकर गिरती है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि आज सुबह जो है इस गाड़ी को नाले से निकाला गया। कल रात ही इस गाड़ी में जो शख्स मौजूद थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया, पर उनकी जो है मौके पर मौत हो चुकी है। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। नाले की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही ज़रूर है, क्योंकि इस नाले को जो है कवर करना चाहिए था। खुला नाला जो है ये पड़ा है, तो कई सारे हादसे होना जो है यहाँ पर, काफ़ी सारे हादसे हो सकते हैं। वहीं अगर कल रात के हादसे की बात करें तो ये व्यक्ति जो है दूसरी तरफ से आ रहे थे। इस वक्त क्रेन जो है मौके पर मौजूद है और इस गाड़ी को यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। गाड़ी की आप हालत देख सकते हैं, पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है और इसके अंदर जो व्यक्ति मौजूद थे उनकी भी मौके पर मौत हो चुकी है। उनके बताया जा रहा है कि वे बल्डी गाँव के जो हैं ये व्यक्ति थे। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, पर आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर रही है, क्योंकि इस नाले को जो है कवर करना चाहिए था। खुला नाला है, कई सारे हादसे अक्सर हो जाया करते हैं, तो इस ओर प्रशासन को ध्यान भी देना चाहिए था। तो आप तस्वीरों को शेयर ज़रूर करें ताकि प्रशासन तक जो है ये मैसेज पहुँचे और इस नाले को कहीं ना कहीं कवर किया जा सके। तो आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में जो है ये गाड़ी हमें मिली, ये गाड़ी इस नाले में गिरी हुई मिली। क्या कुछ मामला हुआ होगा ये पुलिस जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस की टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और इस गाड़ी के बारे में जो है छानबीन करी जा रही है कि कहां से ये गाड़ी आई, गाड़ी में कौन व्यक्ति जो है मौजूद थे और किस तरह से ये गाड़ी गिरी नाले में। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक तो नाला भी खुला है और गाड़ी का भी इतनी स्पीड में क्या आना कि नाले के अंदर गिर जाना। फिलहाल इस वक्त ये सब पुलिस जांच का विषय है। कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं उनके द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि इस गाड़ी को जब निकाला गया था तो इसका एक शीशा भी खुला हुआ था। तो क्या कुछ मामला होगा ये पुलिस छानबीन करेगी, पर फिलहाल हम आपको जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सेक्टर 14 पार्ट 2 से, इस गाड़ी में बलड़ी में रहने वाले एक व्यक्ति मौजूद थे। इस वक्त जो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो है गाड़ी में से आप देख रहे होंगे कि पानी को जो है निकाला जा रहा है, क्रेन भी मौके पर मौजूद है, गाड़ी को यहाँ से ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। जो व्यक्ति, जो शख्स गाड़ी में मौजूद थे वो बल्डी बाईपास के थे और उनकी जो है मौके पर मौत हो जाती है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और इन हादसों के लिए भी जो है आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि अपनी स्पीड पर ज़रूर नियंत्रण लगाकर चले। सर क्या कुछ बताएंगे, क्या मामला सामने आया? मामला तो यही है जी, ये 22-23 साल का लड़का है जी, मतलब लड़का था, अब तो बलड़ी गांव का गोपाल नाम है जी। ये तो अपने आ रहा था, अब ये देखो ना आप, ये सड़क पे किसी को पता ही नहीं लगता, कोई ब्रेकर नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है कि आगे सड़क खत्म है और नाला है। आप देखो तो प्रशासन की लापरवाही है। ये जो युवा की मौत हुई है इसमें तो प्रशासन जिम्मेवार है, तो प्रशासन को इनकी सहायता करनी चाहिए। अब किसान आंदोलन का भी टाइम है, ये भी किसान पृष्ठभूमि में था कि पता कहाँ जा रहा था, क्या कर रहा था, हर कोई सिस्टम आप देख रहे हो, तो ये तो लापरवाही प्रशासन की है। तो बताया ये जा रहा है कि 22 से 23 जो है उम्र बताई जा रही है इस युवक की। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही की ओर भी ध्यान जाता है, क्योंकि इस तरफ जो है कोई भी बैरिकेटिंग नहीं लगी हुई, कोई भी स्टॉपेज नहीं लगा हुआ जिससे कि ये पता लगा सके कि दूसरी तरफ जो है गंदा नाला है। तो प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। अपील आप सभी से बार बार यही रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक युवक की जो है इस नाले में गिरने की वजह से मौत हो जाती है। क्या कुछ मामला हुआ होगा, संदिग्ध परिस्थिति में जो है ये गाड़ी मिली है, फिलहाल पुलिस छानबीन का विषय है। कुछ और लोग भी मौके पर मौजूद हैं, आप लाइव तस्वीर में देख रहे हैं कि इस वक्त जो है नाले से गाड़ी को निकाल लिया गया है। क्रेन भी जो है वो गाड़ी को लेकर जाने का जो है प्रयास कर रही है। तो तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सेक्टर 14 पार्ट 2 का ये मामला हमने आपको दिखाया, कल देर रात यहाँ पर एक गाड़ी जो है गिर जाती है नाले की, इधर और कोई भी स्टॉपेज नहीं है जिससे कि अंदाज़ा लगाया जा सके कि दूसरी तरफ नाला है, ना ही कोई जाली लगाई गई है। तो प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ऐसे मामले जो हैं अक्सर देखने को मिलते हैं। तो इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो इस वक्त ये जो है पुलिस जांच का विषय ज़रूर है, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में जो है ये गाड़ी मिली है। शव को भी इस वक्त लेकर जाया गया है पोस्टमार्टम हाउस और उसके बाद जो है शव पुलिस जो है इस पूरे मामले में छानबीन करेगी। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ महिलाएं। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपको पूरा मामला पता चला किस तरह से यहाँ पे गाड़ी गिरी, क्या बताना चाहेंगे? अभी अभी आई मैम बेटे यहाँ पे,
अच्छा पता चला था गाड़ी गिर गई, लेकिन यहाँ पे तो देखने में कोई रास्ता ही नहीं था आने का, तो कैसे क्या देखे गिरी क्या नहीं, कुछ कह ही नहीं सकते। तो आसपास के लोगों का कहना ये भी ज़रूर है कि ये रास्ता जो है यहाँ पर कोई भी गाड़ियाँ नहीं आती हैं, तो क्या कुछ मामला हुआ होगा, क्योंकि गाड़ी जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है। शव को जो है रात को ही पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाया गया था। बल्लड़ी गांव के जो हैं ये व्यक्ति रहने वाले थे। तो तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सेक्टर 14 पार्ट 2 करनाल में जो है ये मामला देखने को मिला। कल देर रात जो है एक गाड़ी इस ओर आती है और फिर उसके बाद इस गंदे नाले में गिर जाती है। क्या कुछ हुआ होगा इसके बारे में जो है पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद थी। गाड़ी को भी क्रेन से यहाँ से लेकर जाया गया है। शव को भी पोस्टमार्टम लेकर जाया गया है। महज 22 से 23 वर्ष का जो है वो व्यक्ति था। तो तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और आप भी इस ओर ध्यान दें कि अगर आप ड्राइव करें तो स्पीड पर ज़रूर काबू रखें, अपने आसपास चीज़ें देख कर ज़रूर चलें। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की भी प्रशासन का कोई मौके पर नहीं आया। अब लोगों के मकान तोड़ने के लिए कुछ करने के लिए तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं इनके पास। आप देखो कितनी बड़ी लापरवाही है। इस टाइम प्रशासन का कोई आदमी मौके पे नहीं है और एक जवान आदमी की मौत हुई है और प्रशासन की लापरवाही से हुई है। मतलब ये तो अन्याय है ना। प्रशासन को मौके पर आना चाहिए और मौके पर अपनी गलती भी स्वीकारनी चाहिए और उनको सांत्वना देनी चाहिए। यहाँ पर कुछ साइन भी होना चाहिए। सर सब कुछ होना चाहिए। साइन यहाँ का साइन तो पीछे होना चाहिए। आप ये देखो ना, ये तो बिल्कुल मौत का कुआं बना रखा है। इसमें तो कोई बच्चा भी गिर सकता है, कोई बड़ा भी गिर सकता है। ये तो बहुत ज़बरदस्त लापरवाही है। डीसी साहब को ध्यान लेना चाहिए और अभी मौके पर आना चाहिए। मेयर मैडम को भी, डीसी को भी, ये जो कमिश्नर साहब है नगर निगम के, मौके पर आकर देखिए। तो बहुत ज़्यादा लापरवाही है जी। काफ़ी मतलब दर्द महसूस हो रहा सभी को जी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं साफ बात ये ज़रूर है, क्योंकि लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही ज़रूर है, क्योंकि इस ओर जो है कोई ना कोई साइन बोर्ड ज़रूर लगाना चाहिए था, जिससे कि ये पता चल सके कि यहाँ पर खुला नाला है। और कहीं ना कहीं लोगों का ये भी आरोप लगाना है कि अगर इतना बड़ा मामला जो सामने आया है तो इस वक्त प्रशासन को इस ओर होना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था। तो बड़ी बात ज़रूर है। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि प्रशासन तक ये बात ज़रूर पहुँचे कि या तो इस नाले को कवर किया जाए और इस मामले में जो है छानबीन जरूर करी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं संदिग्ध परिस्थिति में जो है ये गाड़ी मिली है। देर रात जो है ये मामला सामने आया है। उस व्यक्ति जो कि गोपाल, जिनका नाम बताया जा रहा है, महज 22 से 23 वर्ष जो है उनकी उम्र बताई जा रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि उनके परिवार वालों की कितनी बुरी हालत हो रही होगी, क्योंकि इतनी कम उम्र में जो है उनका इस तरह से हादसा हो जाता है उनके साथ और उनकी मौके पर जो है मौत हो जाती है। सुबह जो है गाड़ी को क्रेन की मदद से निकाला गया है। पुलिस जो है इस पूरे मामले में छानबीन करेगी, क्योंकि कई लोगों का कहना ये भी है कि इस ओर जो है गाड़ियां नहीं आती, तो किस तरह से, बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से गाड़ी यहां पर पहुंची। और कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि प्रशासन की इसमें काफ़ी बड़ी लापरवाही ज़रूर है, क्योंकि अगर खुला नाला ये रोड की तरफ है तो यहां पे कोई ना कोई साइन बोर्ड लगाना चाहिए था, कोई ना कोई स्टॉपेज लगाना चाहिए था, जिसके चलते ये अंदाज़ा लगा सके कि दूसरी ओर गंदा नाला है। तो तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। विभूति भारती, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।